हेलो सुप्रभात बच्चों, मैं स्वास्तिका त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अध्याय 3 का अभ्यास कार्य देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। चित्र को देखिए और सही मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाइए। प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों? चित्र को देखिए और सही मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाइए। तो यहाँ पहले नंबर पे जो चित्र है क्या है? खरगोश। तो इस सब क्या है? सही है। दूसरे नंबर पे देखिए, ये क्या है बच्चों? आलू। तो आलू वाला ये सही है, ठीक है ना, ये सब सही है। ये देखिए तीसरे नंबर पे, ये क्या है? संतरा है। क्या है बच्चों? संतरा। तो ये सही है, ठीक है ना। प्रश्न ख, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न पहला है, निम्न स्वरों में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इन विकल्प में आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। इसमें उसका उत्तर दिया हुआ है, ये जो प्रश्न पूछ रहा है ना, इसका उत्तर दिया हुआ है, लेकिन कौन सा उत्तर सही होगा? तो निम्न स्वरों में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो बच्चों, अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। तो पहला सही है। प्रश्न दूसरा है, निम्न शब्दों में से किस में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें आप खोजिए कि किस में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये पहला है, अ कौवा, ब सूरज, स कोयल। और ये किसकी मात्रा पूछ रहा है? ओ की मात्रा पूछ रहा है ना। तो इसमें प्रयोग हुआ है क पे ओ की मात्रा ही लगी है, इसलिए ये सही होगा। प्रश्न तीसरा है, ये चिन्ह किस मात्रा का है? तो ये जो चिन्ह दिया है वो किस मात्रा का है? यहाँ भी आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ये चिन्ह किस मात्रा का है बच्चों? तो छोटी का है। ब सही है, ये ब वाला सही है, ठीक है। अब प्रश्न चौथा देखिए, ओ की मात्रा का चिन्ह कौन सा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओ की मात्रा का चिन्ह कौन सा है? ओम है, ओ की मात्रा है, ब में बड़ी की मात्रा है, स में चंद्रबिंदु की मात्रा है, और द में ओ की मात्रा का चिन्ह है, ठीक है ना। प्रश्न गो, सही मात्रा को पहचानिए तथा उससे बनने वाला एक एक शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ क्या करना है? मात्रा को पहचानना है और उससे एक एक शब्द लिखना है। तो देखिए पहला री की मात्रा है बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये री की मात्रा है। तो री की मात्रा से हमने एक शब्द बनाया, कृपा। ऐसे हो जाएगा वृक्ष, ठीक है। अब दूसरे पे देखिए, ये क्या है? चंद्रबिंदु है। तो ये चंद्रबिंदु की मात्रा है, इससे हम एक और शब्द बनाया है, एक यहाँ शब्द बना है, आंख। आंख हो गया ना, आप चाहे तो चांद भी बना सकते हैं, ठीक है, हंसना भी बना सकते हैं। तीसरा है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा से
एक शब्द बनाना है, ये क्या है, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा से हमने एक शब्द बनाया है मोर, शोर, जोर। आप और भी शब्द बना सकते हैं। नंबर चौथे में क्या दिया है, औ की मात्रा, ये क्या है, औ की मात्रा है, औ की मात्रा से आप औरत बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, चौड़ा बना सकते हैं, तो हथौड़ा बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर साफ साफ सही सही लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।